Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and we are going to study very important fundamental right, and that is Article 17, Freedom of Association. Dear students, in English law, freedom of association includes forming and belonging to political parties. Freedom of association se murad hai belongings with political parties. You see, political parties deals with political ideologies. Agar aap nazariyati taur pe kisi political party ka hissa banna chahte hain to no problem. Aap freedom of association ke tahat uska hissa ban sakte hain. Iske ilawa, एसोसिएशन होती क्या है? जब एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और एक आइडियोलॉजी पे इकट्ठे हों और एक खास पर्पस के लिए काम करें तो उसे आप एसोसिएशन कहते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सरसाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस, सोसाइटीज और इस तरह की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस. एक सिटीजन हर तरह से आजाद है कि वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के तहत किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सके, लेकिन शर्त साथ ये लगाई जाती है कि ये एसोसिएशन किसी क्रिमिनल काम के लिए ना बनाएगी. ऐसा एक्शन जिसको तमाम सोसाइटी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाए उसे क्रिमिनल एक्शन कहते हैं, और ऐसा एक्शन जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ हो उसे सिविल रॉन्ग कहते हैं. इसके अलावा एक और कंडीशन लगाई जाती है फ्रीडम एसोसिएशन के राइट के ऊपर कि ये एसोसिएशन इसलिए मत बनाई जाए कि इस तरह की एसोसिएशन बनाकर पुलिस के फंक्शंस को यूजर्ब किया जाए या आर्म्ड फोर्स के फंक्शंस को यूजर्ब किया जाए. यहां पर आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस सब्जेक्ट टू से मुराद है ताबे रहते हुए एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी. ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट है ये हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल है, लेकिन इस जिमन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ताकि महफूज किन बातों को किया जा सके, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान. सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि वो मुल्क जिस जो लॉ अपने खुद बनाता है और अपने लॉज को खुद इंप्लीमेंट करता है और कोई पावर उसको रेगुलेट नहीं करती. तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकता. इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकता. इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? वननेस के खिलाफ. पब्लिक ऑर्डर क्या है, मोरालिटी क्या है, आगे चल के देखते हैं. लेकिन ये राइट ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके पास नहीं है. यहां पर सेकंड पैराग्राफ में जरा नोटिस कीजिएगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान द फेडरल गवर्नमेंट शैल विद इन 15 डेज ऑफ सच डेक्लरेशन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट whose decision on such reference shall be final.
अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चलता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है तो वो ये मैटर इस डेक्लरेशन के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगी और इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ अल्फाज हैं और उनके मानी हैं। पब्लिक ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसकी ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझ लें। अ कंडीशन करैक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल वायलेंस। पब्लिक ऑर्डर से मुराद ये है कि क्रिमिनल वायलेंस एब्सेंस में हो, पॉलिटिकल वायलेंस एब्सेंस में हो और मुल्क में अमन हो। प्री जुडिशियल का क्या मतलब है? हार्मफुल टू समवन और समथिंग डेट्रीमेंटल। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।